अनिकेत सिंह पत्रकार की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव शाहीन बाग एवं बटला हाउस में लंबी कतारें। सबसे आगे महिलाएं। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए शनिवार सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। शाहीन बाग में मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यहाँ के शाहीन पब्लिक स्कूल में बड़ी संख्या में वोटर दिख रहे हैं। आपके अमानतुल्लाह यहाँ से मौजूदा विधायक है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के परवेज हाशमी और बीजेपी के ब्रह्म सिंह से है। शाहीन बाग के शाहीन पब्लिक स्कूल के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। गौरतलब है कि शाहीन बाग में पिछले काफी समय से नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है और विशेषकर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाटला हाउस में भी मतदान जारी है। यहां भी लंबी कतारें देखी गई हैं। बाटला हाउस में बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने निकले हैं। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों महिलाओं की कतार देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 फरवरी मंगलवार को आएंगे। 22 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।